अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, चाय बेचने वाले का बेटा इंडियन में बना चीफ मिनिस्टर, चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ है। तो चलिए जी, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि चाय बेचने वाले ही क्यों के बेटे ही क्यों आगे आ रहे हैं, बल्कि मोदी साहब तो खुद चाय भी बेच रहे हैं। ट्रेंड सेट कर दिया मोदी। चलिए जी, पहले मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट वाले सोए भाई का, और इसका टाइटल है पीएम मोदी नॉमिनेट सन ऑफ टी सेलर एज सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो जी हां, जो मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं वो भी बहुत जमीन से ऊपर उठकर आए हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जो थे वो टी सेलर थे, ये जो हैं वो चाय बेचने वाले के बेटे हैं। तो देखिए, हमारे देश में ऐसी चीज़ें होती हैं। हमारा देश बहुत गजब का देश है। तो यहाँ पर जमीन से उठा हुआ आदमी भी शिखर पर जाकर पहुँच सकता है। और इसकी एक और मिसाल जो है द्रौपदी मुर्मू हैं, आदिवासी राष्ट्रपति बनी हमारी पहली, और उनको देख के आने वाली आदिवासियों की कई जनरेशन्स जो हैं वो प्रेरणा लेंगी, और वो भी ख्वाब देखेंगी कि जी हम भी बहुत बड़े पोस्ट पर भारत में पहुँच सकते हैं। तो ये भारत की बड़ी अच्छी खूबसूरती है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने अब तक यही देखा है कि जो सबसे मालदार होगा, जो सबसे रसूखदार होगा, वही पीएम बनता आया है। बाकी किसी जमीन से जुड़े आदमी का जो बिल्कुल गरीबी से उठकर आया हो, वो तो आज तक हमने कभी देखा नहीं कि पाकिस्तान का पीएम या प्रेसिडेंट है, कोई भी बना हो। चलिए देखते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो सियासत का सिस्टम है सारा, अगर पॉलिटिक्स की बात करें, इंडिया में जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है, क्या आपको फर्क नजर आता है या एक जैसा? नहीं, काफ़ी डिफरेंस है बॉस। वहाँ के जो देखिए, कोई भी अब जब नरेंद्र मोदी आया था, ये प्राइम मिनिस्टर बना था, तो लोग कहते थे कि चाय वाला, लेकिन उसने देखे चाय बेचने वाले ने इंडिया को कहाँ से कहाँ G20 पे ले आया है। G20 का मतलब लोगों को शायद ना पता हो, ठीक है, G20 में चला गया, ठीक है, दुनिया की पावरफुल कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज हैं, इकोनॉमी के हवाले से बिल्कुल उनमें ले जाए भाई। 20 लोगों को, 20 हुक्मरानों को इकट्ठा करना, ठीक है, उनके मुल्क जाके, ठीक है, अपनी बात मनवाना, ये सिर्फ वो चाय बेचने वाला ही कर सकता था। हमारे जैसे पाकिस्तानी पढ़े लिखे सियासतदान नहीं कर सके। नहीं, मुझे लगता है कि G20 का मेंबर तो हम पहले से ही हैं। G20 का मेंबर हम अभी नहीं बने हैं, G20 का मेंबर हम पहले से हैं। और हाँ, पहली बार G20 की मीटिंग जरूर हमने अपने यहाँ कराई, इस बात का श्रेय जाता है, लेकिन G20 के मेंबर हम पहले से हैं। भारत पहले से G20 ग्रुप का मेंबर है। आप ये कह रहे हैं वो चाय बेचने वाला, हालांकि उनकी डिग्री भी है, लेकिन अभी आज की खबर ये है कि उसी चाय बेचने वाले ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है मध्य प्रदेश के जो एक आम चाय बेचने वाले का बेटा है, मोहन यादव उसका नाम है, उसे एज ए सीएम जो है वो नॉमिनेट किया। क्या कहना चाहेंगे? सीएम नॉमिनेट कर दिया है तो भाई, ये तो वो उसकी कुछ होगा ना, वो मेरिट पे आया होगा ना आगे। ये तो नहीं कोई हर बंदा जाके, मैं तो नहीं कर सकता ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, कोई बना सकता है? सीएम बना, हाँ, कोई भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में लेट्स सपोज कोई बहुत एजुकेटेड इंसान भी है, क्वालिफिकेशन भी उसकी अच्छी है, मेरिट पे भी आता है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है बगैर पैसे लगाए? मतलब कोई चाय बेचने वाले का बेटा या चाय बेचने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो या आने वाले टाइम में आपको लगता है? और भाई, आप सीएम या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अल्लाह के बंदे वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता पैसे लगाने के बगैर। आप देखें, इलेक्शन पिछले दिनों में हुए थे, जब लास्ट 2 ईयर्स पहले, ठीक है, जिल्मी इलेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो हर वाइस चेयरमैन ने, चेयरमैन ने कोई दो, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़ खर्चा किया अपने इलाके में, 20 दिन दावतें नहीं खत्म की, जिलेबियाँ, समोसे, पकौड़े, जो भी, मतलब MPM बनने के लिए कम से कम 10-15 20 करोड़ रुपया चाहिए, 20 करोड़ रुपया, ठीक है। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं 2 माह तक, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसी स्थितियाँ तो हमारे यहाँ भी हैं। यहाँ भी चुनाव में बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको यहाँ भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है कि कुछ चीज़ों में है, जैसे
आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 आपकी पकड़ मजबूत हो गई, आपकी रुतबा बढ़ गया, आपका कनेक्शन बढ़ गया लोगों के साथ, तो आपको लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। लेकिन तब भी पैसे चाहिए होते हैं, तब भी पैसे चाहिए होते हैं, तो कई जगह मदद भी मिल जाती है, कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी करोड़ों का खेल तो यहाँ भी होता है बॉस। तकरीबन 2 माह के बाद क्या समझते हैं पाकिस्तान में कौन सी पार्टी आपको विन करती नजर आ रही है? कोई भी पार्टी ने बॉस मुश्तरका को मुश्तरका को मत बननी है, ठीक है, ठीक है, मुश्तरका को मत होनी है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। एक बंदा जो ना, एक बंदा आज इसको रिहाई कर दे, ये पूरे इनको क्लीन कर देगा, बिल्कुल क्लीन, जीरो कर देगा। सिर्फ इमरान खान वाहद बंदा है। बोला कि भाई इंडिया की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में बहुत फर्क है, हमें आपको ये चीज समझ आ रही है, मुझे आ रही है, हमारे पॉलिटिशियंस को, मतलब वो अपने कंट्रीज को, आपने बोला G20 की मीटिंग और ये सब चीजें हैं, टेस्ला और ये सारी चीजें, हमें ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही? भाई इनकी आपस की वो क्या कहते हैं, कोई इनकी भूख मिटेगी तो फिर है ना। अब कोई भी चीज है, देखें फर्ज किया कि ये लोग कहते हैं जी ये कर दिया वो कर दिया। एक ये मोबाइल है, ये मेरे पास मोबाइल उधर पड़ा हुआ है, एप्पल का 15 प्रो मैक्स, मैंने ये लास्ट मंथ लिया, ठीक है। इंडिया में वो सिर्फ कितने का है? 1,10,000 का, 1,15,000 का, ठीक है। पाकिस्तान में वो कितने का है? 5,60,000। नॉन पीटी है, 1,65,000 रुपया आपने टैक्स पे करना है CNIC पे, ठीक है, अपने शनाख्ती कार्ड पे, आईडी कार्ड पे, और पासपोर्ट पे आपने पे करना है 1,48,000 मेरे समथिंग इस तरह ही है। बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी नहीं है, होममेड प्रोडक्ट्स नहीं है, इवन मोबाइल की बात करते हैं, ये शूज भी जो हमें नजर आ रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ, हालांकि मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन क्या ये मेड इन पाकिस्तान है? सर ना ना ना, असेंबल इन पाकिस्तान हो रहा है फिल वक्त असेंबल हो रहा है, मेड इन चीजें जो आ रही है। मोबाइल से याद आया कि भारत में शायद जो मोबाइल यूजर्स हो गए हैं, अब 99.99% जो है मोबाइल वो मेड इन इंडिया है, 99.13 या 99% मान लो मेड इन इंडिया मोबाइल है। सोचिए, आ बाहर से रही जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मटेरियल चाइना से ही आ रहा है, असेंबल पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अब आप देखिएगा 2024 में आपको मेड इन इंडिया एप्पल फोन लॉन्च कर रहा है, मेड इन इंडिया लिखा होगा, यानी कि इंडिया में असेंबल होगा, इंडिया में बनेगा, पाकिस्तान में अभी तक एप्पल का एक स्टोर भी नहीं है भाई। ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? आप हमारे मीडिया में ये बताया गया चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो मेड इन इंडिया को कहां से कहां ले गया, आईफोन वहां पे बन रहे हैं, वहां पे टेस्ला वहां पे आ रहा है, वहां पे मतलब क्या दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, फिर मैं तो कहता हूँ मुझे भी इधर कोई चाय बेचने वाले प्राइम मिनिस्टर चाहिए। बॉस सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान का जितना भी कोई बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा सियासतदान है, उसकी सारी जो धन दौलत है ना वो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है। जो इंडिया का ना सबसे अमीर बंदा, एशिया का सबसे अमीर बंदा इस टाइम अंबानी है, उसकी 90-95% आमदन जो है ना सिर्फ अपने इंडिया में सारी खर्च कर रहा है, ठीक है। उसकी 5-10% जो है ना जितनी भी सिर्फ वो बाहर है, और कोई भी नहीं, पाकिस्तानी कोई भी सियासतदान है, कोई भी लीडर है, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी बिजनेसमैन है ना, सबसे पहले तो बिजनेसमैन यानी पाकिस्तान में जो भी कोई थोड़ा स्टेबल होता है सबसे पहले वो ये सोचता है कि बाहर के कंट्री में कहीं पे मतलब एक दफा कमा के वो बाहर ले जाता है, वो ये नहीं कहता कि मैंने कमाया इन लोगों में से मैं ज्यादा इधर इन्वेस्ट करूं, लेकिन नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी इधर सिक्योरिटी नहीं है, कोई पता नहीं किस दिन बैंक हमारे बंद हो जाए, बैंक जो स्टेट बैंक ने भाई खुद पिछले दिनों में बयान दे दिया है कोई बैंक करप्ट हो जाता है 5 लाख का जिम्मेदार है हम, एक 5 यानी 10 करोड़ आप जमा, 10 करोड़ मैं कहता हूँ मेरा 50 लाख रुपया है, मेरा 50 लाख रुपया वो बैंक डिफॉल्टर हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? 5 लाख मुझे सिर्फ 5 लाख मिलेगा, 45 लाख मेरा गया, इसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, वहाँ की खबर ये है कि वहाँ पे कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसके, इंडिया का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसकी फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी हो, कोई घर हो, कोई फ्लैट हो, हमारे यहाँ पे हर प्राइम मिनिस्टर के दुबई में तो ऑलमोस्ट मौजूद होंगे। प्राइम मिनिस्टर छोड़ो मेरे भाई, सियासतदान देख लो, ब्यूरोक्रेट देख लो आप, ये वो कोई भी आर्मी का ऑफिसर रिटायर होता है तो सीधा सबसे पहले बाहर भागता है, पाकिस्तान में नहीं रहता, 3 साल यहाँ आर्मी चीफ रहता है, 3 साल पूरे हुए सीधा फ्लाइट पकड़ के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे हम सेफ नहीं महसूस करते खुद को, क्या कहते हैं बॉस? सेफ तो वो हमारे क्या हम बोल नहीं सकते अल्लाह के बंदे, ये भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, डर के बात कर रहा हूँ कहीं आगे आपके गुफ्तगू से लग नहीं रहा डर। देखें जब तक हम बात नहीं करेंगे, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और जो दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर देखें, हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है इंडिया के ऊपर तो आपने बात नहीं करनी, और खासतौर पर तारीफ तो आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपको क्या लगता है हमारी तारीफ करने से क्या उनको कोई फायदा मिल जाएगा या हमारे यहाँ पे फायदा नहीं? फायदे वाली तो बात नहीं है, जो तारीफ वो है जो दुश्मन भी करे।
ठीक है, जो उसके हक की बात है वो कुछ रियलिटी है, जो झूठ बोल रहे हैं झूठ वाली बात, ठीक है। एक पार्टी हर कौम में हर मजहब में हर मुल्क में करप्ट लोग हैं, ये नहीं हम कहते हैं कि इंडिया बड़ा अच्छा है, ठीक है, इशू वहां पे वो कोई इशू नहीं है, वो सब तो बड़ी देर से चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसने इंडिया ने कर दी है ना, अपनी बात मनवा के अपने काम करके इंडिया को बढ़ा के, मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान में पता नहीं कैसा हुक्मरान आएगा, जो आया था बस उसको अंदर कर दिया। बल क्या शरीफ साहब अगर आते हैं आपको लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन ही बेहतर हो जाएंगे, और अगर रिलेशन बेहतर होंगे पाकिस्तान का कितना फायदा होगा? रिलेशन बेहतर करने के क्या फायदा होगा मुझे ये बता दें आप। मेरे ख्याल से तो देखिए सब्जियां सस्ती मिल जाएंगी हमें, और अगर हम वाकई में उनके साथ अच्छे रिलेशन करते हैं हमें हमारी गाड़ियां बड़ी सस्ती हो जाएंगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहां पे जिस तरीके से बूम कर बॉस, ये इसमें ना एक प्लानिंग होती है, ठीक है, वो बिजनेसमैन थे शुरू से, हम ये नहीं कहते बिजनेस थे, बिजनेसमैन ही है, उनको पता है नॉलेज है, लेकिन वो क्या करते थे, ठीक है, सूद पे पैसा लेके, ठीक है, कंट्रोल किया 3 साल 4 साल कंट्रोल कर, नवाज शरीफ जिसने भी हिसाब डालने वो कैसे आपको डॉलर को नीचे ऊपर करके ना मेंटेन किया था, महंगाई नहीं होने दी, मान लिया, लेकिन उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या नजर हमें आया जब वो गया, जब वो चला गया, उनको पता है हमारा क्या है, हमने तो अपनी कमीशन लेनी अंदर से, वो गायब हो जाना है। उसके बाद जो सारे मामला थे किसने देखे हैं, पाकिस्तानी अवाम ने देखे हैं, पाकिस्तानी कौम ने देखे हैं, ठीक है, इनको क्या है, पाकिस्तान में डॉलर का रेट ऑलमोस्ट 285 से 290 के राउंड अबाउट है, पेट्रोल की अगर बात करें वो 282 रुपीज मतलब पर लीटर मिल रहा है, और इसमें पाकिस्तान की पब्लिक का भी काफी हद तक मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात करूँ या ओवरऑल जो पब्लिक है उसका कसूर है, उसकी वजह यह है कि हम हमेशा ब्लेम करते हैं जी गवर्नमेंट को, ये चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, ये चाहिए पॉलिटिशियंस को, ये चाहिए। हमें खुद चाहिए कि हम सबसे पहले अच्छे किसी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो उसे अच्छे मेरिट के ऊपर सिलेक्ट करें, और उसके बाद फिर डेमोक्रेसी को प्रमोट करें किसी तरीके से, बजाय इसके कि नहीं यार वो करेंगे ये करेंगे, नहीं हमें खुद करना होगा ये सब कुछ, हमें निजाम खुद करना होगा। इंडिया की पब्लिक क्या इसी तरीके से जो है कि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए कोई भी सीएम बन जाए वो कहेंगे ठीक है जी वो कर रहे हैं, नहीं वो पता नहीं इंडिया का कौन सा यार, मेरे नाम ने काजल कौन है यार, वो बीजेपी पार्टी थी, नहीं दूसरी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, वो देख लें केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, उसका जाके निजाम देख ले, स्कूल फ्री है, मेडिकल फ्री है, 200 यूनिट तक तकरीबन बिजली, भाई जी 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, तलीम फ्री है, मेडिकल फ्री है, यही तो चाहिए और क्या चाहिए आवाम को, और क्या चाहिए, सिर्फ ये तीन चीज चाहिए, आम आदमी पार्टी है, वो मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है जैसे। हाँ भाई दिल्ली वालों आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या क्या फ्री है और क्या आपको फ्री की चीजें ही चाहिए, और क्या आपको लगता है कि चीजें फ्री में मिल जाती हैं, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि भाई ये चीज तो हमने फ्री में ले ली लेकिन दूसरे के लिए हमें ज्यादा चीज चुकानी पड़ रही है, ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोग बताइए मुझे। तैसे भी कर रहा है अपनी मांग को खुश रखा हुआ उसने, ठीक है, और यहाँ पे ये चीजें क्यों नहीं हो सकती, पैदल भी जाता है, अकेला भी चला जाता है, रोड की सफाई और ये अकेला भी चला जाता है, हमारा कोई एक बंदा कोई एम खुरम दस्तगीर को बोले अकेला आके दिखाए, यहाँ एमपीए एमएनए प्राइम मिनिस्टर का छोड़ो, खुरम दस्तगीर साहब को बोले आप अकेला आके दिखाए, पॉसिबल नहीं भाई, डरते ना, डरते क्यों है, इनकी खुद करप्शन है, इसमें फिर एट द एंड जिम्मेदार पब्लिक भी है, देखें अगर कोई वहां पे आम आदमी पार्टी बना सकता है हमारे यहाँ पे आम आदमी, मतलब ये कि उस तरह की उस कंसेप्ट के साथ भाई, के भाई सोचते नहीं है ना, सोचते नहीं है, कहते नहीं यार जिम्मे को लगा रहे, और अगर कोई कोशिश करता है तो उसे ये कह दिया जाता है भाई ये कैसे चेंज करेगा, इसे पॉसिबल नहीं है, इवन बात करना छोड़ गए हैं लोग। सबसे बड़ी बात है ये लास्ट मंथ में शायद या 2 महीने पहले एक इंडियन फिल्म रिलीज हुई है जवान शाहरुख खान की, वो फिल्म दिखा दें पूरे पाकिस्तान को, उस तरह का एक बंदा चाहिए बस, देखे निजाम कैसे सही होता है, हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई चेंज लाने के लिए हमें सबसे पहले एक मोटिवेशन चाहिए, हमें अवेयरनेस चाहिए जो कि पाकिस्तान की पब्लिक में अभी उस तरीके से नजर नहीं है, नहीं है बिल्कुल नहीं है भाई, अभी नहीं है ही नहीं, हमें ये बताया भी नहीं जा रहा कि दुनिया किधर चली गई है, आपको लगता है आप चले सोशल मीडिया शायद यूज करते होंगे आपको आइडिया है कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है या दुनिया के दूसरे, आम पाकिस्तानी को यहाँ पे आपको लगता है आइडिया है? नहीं किसी को भी नहीं पता, हमें तो बस ये पता है कि वो दुश्मन है, वो काफर है, वो मुस्लिम है, वो किसने बताया, हमारे कारी साहब ने बताया, ठीक है, मीडिया ने भी बता दिया है, कारी साहब मस्जिद में चले जाए हुक्मरानों ने बता दिया है कि फलाना ऐसे है, मजहब की बात चल जाए मौलवी से चले, कानून की बात करनी है वकील के पास चले जाए वो बता देगा ऐसे नहीं ऐसे करो, गलत काम करो छुड़वाना मेरा काम है, गलत काम करो छुड़वाना मेरा काम है, हमारे कारी साहब हमारे सारा कुछ एक ही है, ये सारे एक ही गोल दायरा घूम रहा है, जैसे दुनिया गोल है ना ऐसे ही सारे निजाम करप्ट जितने भी है ना
कोई भी चीज़ है चाहे मुझ समेत ये सारे साथ मिले हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान में ऐसी सोच के लोग हों जो अप्रिशिएट करें, जहाँ पे अच्छा हो चाहे इंडिया में हो चाहे चाइना में हो या दुनिया के किसी भी कंट्री में कुछ अच्छा हो उसे अप्रिशिएट करें, ना सिर्फ अप्रिशिएट बल्कि सीखेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, कोई एक मैसेज, इंडिया से बहुत से लोग हमें देखते हैं, कोई एक मैसेज आप देना चाहें कि मतलब कोई भी अपनी मर्जी से। मैसेज क्या देना यार, बोल गट बस सही जा रहा है, ठीक है निज़ाम, ठीक है, पाकिस्तानी इमाम को जाइए कुछ सीखने के लिए, सीखे उनसे और बकाया और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहन अब्बास है। क्या करते हैं भाई? भाई मैं मार्केटिंग करता हूँ सेंट्री सिरामिक्स। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। टॉपिक ये है, सबसे पहले मुझे एक आसान सा मतलब एक सवाल है उसका जवाब दे, पाकिस्तान में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आम इंसान कोई भी, कोई ये चाय वाला रेड़ी वाला स्टॉल वाला इलेक्शन लड़ सकता है? जी भाईजान इलेक्शन तो सारे लड़ सकते हैं, पैसा लगाएं इलेक्शन हो सकता है, लेकिन इलेक्शन के बात ये है कि जमीर इंसान का जिंदा होना चाहिए यार, लोग भूखे मर रहे हैं। इलेक्शन वाकई में हर कोई लड़ सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बराए नाम इलेक्शन लड़ना है, लाइक आपको लगता है कोई चाय वाला उठ के इलेक्शन लड़ेगा? नहीं, वो नहीं लड़ सकता, वो जीत भी नहीं सकता सवाल में, क्योंकि उसके पीछे कोई हाथ नहीं है। अच्छा, एमपीए या एमएनए बन सकते हैं? नहीं बन सकता। ठीक हो गया। अब बड़ी खबर ये है, एमपीए एमएनए दूर की बात, इंडिया की एक स्टेट में सीएम बना है जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें नॉमिनेट किया है सीएम के लिए, क्या कहना चाहेंगे वहाँ? वो चाय वाले का बेटा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? भाई बात तो हैरत की है, एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि उनका ज़मीर जिंदा है, मौका देना चाहिए यार इंसान को। आप देखे रोडों पे जो है वो टैलेंट जलील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, ठीक है, तो किसी को किसी चीज़ का पता नहीं है। आप स्कूल की बात कर लें, लोग एक जमात भी नहीं पढ़े तो उन्होंने पैसे लगा के इन्वेस्ट करके स्कूल बनाए हैं, प्रिंसिपल उनके नाम के साथ लग रहा है, और जो एमबीए की है पढ़े लिखे हैं, तो मेन चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अनपढ़ अंगूठा छाप जो उनसे हैं वो असेंबलीज में बैठे हैं, प्रिंसिपल बने हैं यार उनके साथ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी बने, मिनिस्टर बने हैं ना पैसे लगा के, तो अगर किसी के पास हुनर है वो पैसे की वजह से जलील हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, पैसे के साथ पैसा आ रहा है और गरीब आम जलील हो रही है। और आपको नहीं लगता पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है अगर टैलेंट हो या कोई किसी फील्ड में अच्छा हो, एजुकेटेड हो, उसे अगर उसकी अच्छी पोस्ट पर ना बैठाया जाए तो वो नुकसान पाकिस्तान का? भाईजान वो नुकसान भी है और गुनाह भी है, ठीक है, अगर किसी का आप टैलेंट जो है वो वायरल नहीं ना करते, वो सरासर नुकसान है, वो मेहनत करता है, अगर वो अपनी मर्जी से वायरल हो भी जाए ना तो उसे मरवा दिया जाता है। ये रूल है हमारे पास। अभी ये जो खबर मैंने आपको बताई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है एक चाय वाले के बेटे को चीफ मिनिस्टर के लिए, एक बहुत बड़ी बात है। जी वो तो अच्छी बात है, तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये उनको सलूट है कि यार हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने उसे आगे नॉमिनेट किया, उसे मौका दिया है, हमें भी चाहिए यार पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ये मौका देना चाहिए। जबरदस्ती अच्छा लगा बात करके, और ये एक आम पाकिस्तानी की ओपिनियन थी कि भाई देखें चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कोई भी फील्ड हो, जिसका जो राइट है, जिसका जो एक्सपीरियंस है, जिसकी जो बेहतर जिस चीज़ में परफॉर्म कर सकता है उसे उस जगह पे बैठाना चाहिए, उससे ना सिर्फ उसका फ़ायदा होगा बल्कि उसकी कंट्री का भी फायदा होगा। अच्छा लगा बात करके, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। चले दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया, और देखिए पीएम मोदी ने नॉमिनेट नहीं किया है, ये वहाँ के विधायकों ने नॉमिनेशन दी है, फिर वहाँ से चुने गए हैं, विधायक मंडल का जो बैठक होता है उसने चुना है, उनको बताया कि जी ऐसा हुआ है। हाँ पीएम मोदी किससे हो सकती है उसमें, जेपी नड्डा साहब किससे होगी और बहुत कुछ होगा, होगा बिल्कुल होगा ऐसा, लेकिन वो विधायक मंडल चुनता है, अपना विधायक दल का नेता अपना खुद चुनते हैं वो कि कौन होगा हमारे दल का नेता, और पर्दे के पीछे भी होता है ये चीज़ें। दूसरी चीज़ कि अनपढ़ तो हमारे यहाँ भी नेता बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, संतरी बन जाते हैं, अब बिहार में हमारे मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी, अंगूठा छाप, दसवीं फेल हैं, कई ऐसे मंत्री बने बैठे हैं बिहार में ही, लालू यादव के बेटे हैं मंत्री बन गए, उनके सामने आईएएस बैठे हुए हैं सिर झुकाए हुए, वो दसवीं फेल के सामने बैठे हुए, ये भी बातें होती हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए हाँ मैं कहूँगा कि भारत में एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पाई जाती है कि हम लोग देशभक्त बहुत हैं। आपने हमारे जनरल जो CDS पहले रहे हैं जिनकी दुर्घटना में जिनका निधन हो गया, बिपिन रावत साहब,
तो जनरल बिपिन रावत का घर आपने देखा है, सिंपल सा साधारण सा घर, मेजर गौरव आर्या ने टूर करवाया था उनका। सोचिए उस घर को आप देख के नहीं कह सकते कि ये बंदा आर्मी का चीफ रहा होगा, उनके फादर भी शायद थे उसमें, आर्मी में ही थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। और वो घर इतना सिंपल, इतना मतलब साधारण सा घर, और सीडीएस बने देश के पहले। मुझे याद आ रहा है कि शायद लाल बहादुर शास्त्री बहुत महलों में नहीं रहते थे, गुलजारीलाल नंदा के बारे में शायद कहा जाता है जहां तक मुझे याद है, अगर मैं सही हूं तो, कि वो किराए के मकान में रहते थे, देश के पीएम रहे। तो हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके लिए देश ऊपर है, और वो चीज हमारे अंदर अभी भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी भी इंडियन से जब पूछेंगे ना कि आपके लिए देश बड़ा या रिलीजन, पद, पैसा, जो कुछ भी है, सबसे पहले कहेगा कि मेरे लिए भारत जो है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद बाकी चीजें हैं, रिलीजन उसके बाद है, पैसा उसके बाद है, सारी चीज उसके बाद, क्योंकि रिलीजन तो हमारा है ही, लेकिन जब तक देश हमारा रहेगा तभी हम हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी भी इस बात को समझती है। उसके उलट अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की ताकत पर कंट्रोल किसका रहा? हमेशा अलीट वर्क का रहा, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे लियाकत अली खान हो, चाहे उसके बाद जितने भी लोग हैं, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर आए, वो सब बड़े अलीट पावरफुल घरों से आते हैं, खानदान से आते हैं, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान ही हो, वो कोई छोटे मोटे घर से तो आते नहीं है, पावरफुल खानदान से आते हैं। नवाज शरीफ पावरफुल खानदान से हैं, जरदारीज पावरफुल खानदान से हैं, भुट्टोज पावरफुल खानदान से। तो ये बात समझिए कि हमारे यहां एक आम आदमी भी उठ के कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है, आपके यहां लेने देने की सोच भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी के पास कंट्रोल चला जाए। जब भी पावर रहेगी अलीट लोगों के पास रहेगी, जो ताकतवर है पहले से, जमींदार हैं, जागीरदार हैं, बिजनेसमैन है, उन्हीं के पास पावर रहेगी। कोई आम आदमी पाकिस्तान में सड़क से उठकर देश का पीएम, सीएम, एमएनए, एमपी नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये फर्क है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आलोक सर का और रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो था जिसपे वो रिएक्शन दे रहे थे, और बात थी कि एक चाय बेचने वाले का बेटा नॉमिनेट कर दिया गया है, सीएम बना दिया गया है मध्य प्रदेश में, जहां पे मामा जी की सरकार थी, मामा जी बड़े फेमस थे और उनकी कारकर्दगी भी बड़ी जबरदस्त थी। अब देखिए उनको अगर रिप्लेस कर दिया गया है तो आप देखिए वहां पे जो जमहूरियत है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वहां पे ओपिनियंस का और काम करने वालों का और पीछे लाइन कितनी लगी हुई है अच्छे लोगों की, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, अब जितने भी सीएम नॉमिनेट किए गए हैं बहुत ही जबरदस्त देखभाल करके, और जितनी भी खबरें थी, जितने भी लोग चर्चा में थे, उन सब से हटकर लोगों को मौका दिया गया है। अब मामा जी कहते हैं, बहुत देर से मामा जी बीजेपी का चेहरा थे मध्य प्रदेश में, उनको हटा दिया जाना एक बड़ा एक पैगाम है अपने वर्कर्स के लिए भी बीजेपी का, और दूसरे लोगों के लिए भी, कि जो पार्टी के साथ किस हद तक कितना सिंसेयर है और किसकी कितनी कारकर्दगी पार्टी के लिए नहीं इस मुल्क के लिए चाहिए। इस सब चीजों को देखते हुए मोदी जी ने वहां पे नॉमिनेट किया है एक चाय बेचने वाला का बेटा, ये वहां पे कोई बड़ी बात नहीं, यहां पे बड़ी बात हो सकती है। यहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चाय बेचने वाले का बेटा इलेक्शन लड़ने का सोच ले, सीएम बनना तो बड़ी दूर की बात है। यहां पे एक जो आम इलेक्शन होते हैं काउंसलर तक का, उसके लिए भी कोई जल्दी वो नॉमिनेट नहीं होता कि नहीं हो सकता जनरल काउंसलर का। बिल्कुल ऐसे ही देखें, वो हमारे यहाँ जब जनरल काउंसलर के इलेक्शन हुए काफी साल पहले, तो वो जिसको भी देखा था 20 25 30 50 200 250 ये वोट थे उनके, यानी कि ये उनकी वोटिंग थी। लेकिन वहां पे देखिए कि वो ये बाबा बालक जी हो गए, बालकनाथ हो गए, और ये मामा जी हो गए, कितने ऐसे हैं जो यानी के लिस्ट में नाम है
जो जिनकी कारकर्दगी भी यानी कि उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो वो एक से बढ़ के एक ही कारकर्दगी है, लेकिन वो लेके आ रहे हैं महेश यादव को, एक चाय वाले के बेटे को, तो वो भी कुछ सोच के लेके आ रहे हैं। उनकी कारकर्दगी को, उनके माइंड को, माइंड सेट उनका देख के, उनकी काबिलियत को देख के कि ये कैसा परफॉर्मेंस देंगे, ये मामा जी से बढ़ के परफॉर्मेंस देंगे, तो उनको लेके आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मुल्क के बारे में सोचेगा वो हमारे सर पे आके बैठेगा, वो राज करेगा, वो उनको हम अपनी आंखों पे बिठाएंगे जो हमें परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई चार दिन जो है इलेक्शन के दिन आए तो सबको बिरयानियां खिलाओ जी, जहाँ पे उनका दफ्तर बन गया वहां पे बिरयानियां चल रही हैं, वहां पे हर चीज खिलाई जा रही है और सब नजर भी आ रहे हैं, आगे पीछे भी कोई नजर भी नहीं आता। तो भाई देखिए बिल्कुल जी, इंडिया में जो है ना वो एक जमहूरियत है और वहां पे जमहूरी तरीके से उनको आगे लाया जाता है बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में ऐसी मिसालें नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन उनको आगे नहीं लाया जाता, क्योंकि अगर वो ऐसी मिसालें आगे आएंगी तो फिर वो जो वडेरा शाही है, जो खानदानी अशराफिया है, वो उनके नाम के ऊपर जो है ना कारी जरब आ जाती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो कि आम आदमी यहाँ से जो है ना वो आगे हैं। अगर आप जमात इस्लामी में देखेंगे तो वहां पे आपको 70% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि एक आम आदमी के ही घर में पैदा हुए और उनकी आज भी जो जिंदगी है वो साधारण जिंदगी है, और वो जो है ना अपनी जो है ना वो MNA भी मुंतखब हुए हुए हैं, MPA भी मुंतखब हुए हुए हैं, और अपने इलाके में उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी करवाए हुए हैं। तो चीज ये है कि जिस पार्टी में भी जो है ना वो जमहूरियत है, वहाँ पे आम आदमी को जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाता है, काबिलियत को आगे लाया जाता है, मेरिट के ऊपर जब काम करते हो तो फिर वहां पे आपको ऐसी मिसालें मिलती हैं। लेकिन जहां पे अब आप ये कहें कि ये भाई इस वक्त जो अब नवाज शरीफ साहब के अगर वारिस साहब को आप देखेंगे तो वो अगर अयूब खान दौर में आप चले जाए तो वो क्या करते थे, आप उनकी हिस्ट्री भी दे सकते हैं, तो वो भी कह सकते भाई मैं तो एक गरीब लोहार का बेटा हूँ जी, जो वहां पे भट्टी पे जो लोहा जो है ना वो सेका करते थे, तो वो भी मिसाल आपके सामने है। तो फिर वो कहां से कहां आप अरबोंपति और पता नहीं कितने अरबों उनके पास जो है ना मुल्क से बाहर पड़े हैं, और पाकिस्तान में जो उनकी जायदादें हैं वो अलग से। नवाज शरीफ जब इलेक्शन में आए थे वो एक बिजनेसमैन खानदान से और एक अमीर कबीर खानदान से तल्लक रखने वाला बंदा था, बाप का या दादा का या उससे भी पीछे ले जो, तो फिर तो पता नहीं चलेगा कि कौन। अगर हम यादव जी का देखेंगे तो वो भी इस वक्त जब इलेक्शन में आए हैं तो जब वो MP बने तो वो भी जो है ना वो अमीर तरीन ही है, वो कामयाब है, वो कोई आम साधारण जो है ना गरीब नहीं है। तो चीज ये है, देखिए बहुत अच्छी चीज है, इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना ही काम है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चीजों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। वो वहां पे अप्रिशिएट कर रहे हैं ताकि एक आम आदमी को हौसला मिल सके कि भाई उसको भी पता चल सके कि मेरा बेटा भी अगर मैं मेहनत करूं, उसको पढ़ाऊं, उसे काबिल बनाऊं, अगर वो काबिल है तो वो आगे जाके उस जगह पे बैठ सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोगों की हौसला शिकनी की जाती है। वीडियो में भी जो दोस्त है उन्होंने भी ये बताया कि जो काबिल होता है, जो अपनी तहत आगे आना भी चाहता है, तो उसको मरवा दिया कर जाता है। तो ये हकीकत है, यहाँ पे इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, इसके ऊपर तो कारी जरब लगाई जाती है कि तुम्हारे कैसे जरूरत होगी कि तुम आगे आ गए, हमने तो ऐसा निजाम ही नहीं बनाया कि एक गरीब का बच्चा, एक चाय वाले का या एक रेवड़ी वाले का जो बच्चा है वो आगे आ सके। लेकिन ऐसी जो चीजें हैं उनको इबरत का निशान पाकिस्तान में बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, और इंडिया में देखिए कि वहां पे मिसालों पे मिसालें बन रही है, और जो एक आम आदमी आगे आए हैं और उन्होंने उस तरीके से ही आम आदमियों की जिंदगियों में सहूलतें पहुंचाई है, और उस तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कहाँ से चला हूँ और रस्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम है उसको फेस करता है, और जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं बिलावल भुट्टो जैसे और हमजा शबाज जैसे, मरियम जैसे, तो उनको क्या पता कि गुरबत क्या होती है और उनकी तकलीफें क्या होती है और हमने कौन सी सहूलतें किसको कैसे देनी है। तो यही वजह है कि जब एक चाय बनाने वाला खुद प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाता है, और जब चाय बनाने वाले का बेटा बनेगा तो वो भी जहां तक हो सकेगा ऐसी ही चीजें आगे लेकर, जब नीचे से लोग आएंगे तो उनको पता होगा गरीब के दर्द का भी, गरीब की जरूरत का भी, आम लोगों को जरूरतें क्या है, उस पर वो उस हिसाब से काम करेगा। अगर एक बिजनेसमैन है और एक वडेरा है, अगर वो आता भी है तो उसे परवाह नहीं है, वो प्राडो में आता है तो उसको वोट मिलते हैं, यहाँ पे एक छोटी कार में आने वाले को भी वोट नहीं दिया जाता। साबर भाई पता नहीं कौन से इस्लामी वालों की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यही है, उनके भी मेम्बरान जिनकी जेब में बड़ा पैसा है वो ही आते हैं, और जो है अगर नहीं है तो फिर तो जिसको मर्जी पकड़ के टिकट दे दो, उनको पता है जीतना तो हमने नहीं है,
अपने लिए मेंबर ये इकट्ठे कर लिए जाए, तो यही सारी बातें होती है। आप सिस्टम, ये जो सिस्टम है नहीं मैच कर सकते इंडिया के साथ पाकिस्तान का और पाकिस्तान के साथ इंडिया का, और यही दोनों ममालिक में फर्क है तरक्की का और तंजली का। चीज ये अब अगर आप इस चीज को कहते हैं, देखिए कहां से नहीं, आप यूट्यूब पे भी जो है ना सर्च कर सकते हैं कि वहां पे जो है ना एक रेडी लगाने वाला एमपीए भी है, यहाँ पे जो है ना एक साइकिल के ऊपर जो जाके ड्यूटी करने वाला टीचर जो है एक आम आदमी, वो भी एमपीए यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनको आगे नहीं लाया जाता। आप इस चीज को सोशल मीडिया इसके ऊपर हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और मैं तो जो है देखें बढ़ चढ़ कर दिल से बधाई देता हूँ ऐसे सिस्टम को जहाँ पे मोदी जी जैसे लोगों को आगे लाया जाता है, जहाँ पे जो आप ये यादव साहब आए हैं तो ये आगे आए हैं, तो ऐसे जब और लोग आगे आएंगे तो वो आम आदमी का दर्द समझेंगे, और एक आम आदमी का बेटा भी कल को ये उम्मीद रख सकता है कि मैं अगर अब काबिल बनूंगा तो मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। चलिए जी, बात एक ही है, कान इधर से पकड़नी है उधर से पकड़नी, तो मकसद यही है के सिस्टम में फर्क है और यही फर्क तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो आगे जा रहे हैं और आज हम कहां से कहां हैं हमें पता ही नहीं है, रास्ता भी कहां है, मंजिल तो बड़ी दूर की बात है। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।